जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है भारत की भौतिक संरचना, जिसमें हम भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है उत्तर भारत का महान मैदान। आइए चलिए बोर्ड पर देखते हैं। भारत का महान मैदान, उत्तर भारत का महान मैदान। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रारूप बनाएंगे। एक प्रारूप बनाएंगे और उस प्रारूप के तहत हमें देखना है कि हमें पढ़ना क्या है। नंबर एक, इसका विस्तार। नंबर दो, इसका निर्माण। नंबर तीन, इसकी भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना या क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय अध्ययन। क्या करना है हमें, इसका क्षेत्रीय अध्ययन करना है। नंबर चार, अपवाह तंत्र। नंबर 5, महत्व। नंबर 5, महत्व देखेंगे हम इसका। चलिए विस्तार देखते हैं। सबसे पहले विस्तार राज्य स्तर पर देखेंगे। किस पर देखेंगे? राज्य स्तर पर। कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है? तो नंबर 1, पंजाब। नंबर 2, हरियाणा। नंबर 3, राजस्थान। नंबर 4, उत्तराखंड। कुछ क्षेत्र है उत्तराखंड। नंबर 5, उत्तर प्रदेश। नंबर 6, बिहार। नंबर 7, वेस्ट बंगाल। नंबर 8, असम। असम, इसका मतलब ये हो गया उत्तर पश्चिम से सुदूर सुदूर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। असम तक फैला है। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल की बात करें, 7 लाख वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। ये हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय है, ये पठार है। जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, हिमालय का अग्रिम भाग अवतलित हो गया और ये उत्तर पश्चिम से लेकर के, भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से लेकर के और कहाँ, असम तक एक नैरो संकीर्ण द्रोणी के रूप में अवतलित भाग बन गया। एक द्रोणी के रूप बन गया, एक घाटी के रूप बन गया। अब हिमालय से निकलने वाली नदियां इधर पठार से निकलने वाली नदियां, ये देखिए पठार से निकलने वाली नदियां क्या कर रही हैं? अपने साथ पठार से अपरदन करके, पठार से
काट के छांट के अपने साथ बहा कर ला रही हैं मलवा, और यहां जमा कर दे रही हैं। ऐसे हिमालय से नदियां क्या कर रही हैं, हिमालय से नदियां हिमालय का अपर्दन करके बड़ी मात्रा में मलवा लाकर कहां छोड़ रही हैं, इस द्रोणी में छोड़ रही हैं। ये द्रोणी धीरे 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 इन नदियों के अवसाद से क्या हो गई, भर गई। अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि इस द्रोणी को भरने में कौन कौन से अपवाह तंत्रों ने भाग लिया, तो यह देखिए, यहां आपको सिंधु नदी मिलेगी, सिंधु तंत्र मिलेगा, गंगा तंत्र मिलेगा, ब्रह्मपुत्र तंत्र मिलेगा, कुछ पठारी तंत्र मिलेंगे जो इसके निर्माण में सहायक थे। लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है, इनका, क्योंकि ये जो पठारी नदियां हैं, ये पठारी नदियां कहीं ना कहीं उत्तर की ओर बह रही हैं। तो किसकी सहायक नदियां हो गई, गंगा की सहायक नदियां हो गई। तो ये तंत्र भी गंगा का सहायक तंत्र है, चिनाब, सिंध, बेतवा, केन, सोन, धसान, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कहां आकर मिल जाती हैं, गंगा के बेसिन में आकर के, या गंगा की सहायक नदियों के रूप में बन जाती है। इन सब तंत्रों ने मिलकर के इस महान मैदान का निर्माण कर दिया। अब आप एक बार ये सोचिए कि नदियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों को काट कर ला रही हैं, और हमने ये पढ़ा था कि चट्टाने फुलफिल ऑफ मिनरल्स होती हैं, खनिजों का भंडार होती है, ये हमने पढ़ा था। तो इस मिट्टी में कितने मिनरल्स होंगे, ये आप सोच कर देखिए, क्या मिनरल्स की बहुतायत नहीं होगी, यहाँ होगी, एक बात। दूसरी बात, अब पठारी क्षेत्र से और पर्वतीय क्षेत्र से नदियां अपने साथ बहुत सारे जीवावशेष भी ला रही होंगी, वनस्पति के अवशेष होंगे, जंतुओं के अवशेष होंगे, हैं, वो भी ला रही होंगी, और उन्हें भी कहाँ जमाया, यहीं डिपॉजिट कर दिया। तो जैविक तत्वों का भी समावेश हो गया, और जैविक तत्वों के समावेश से बनता है ह्यूमस। मिनरल्स को क्या चाहिए, ह्यूमस। जब मिनरल्स और ह्यूमस दोनों मिल जाएं, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व दोनों मिल जाएं, तो फिर एक वो वातावरण तैयार हो जाता है जो एक पौधे के लिए चाहिए, एक परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है वृक्ष के लिए, पौधे के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट। तो क्या होगा, यहां इस मिट्टी को आप परफेक्ट सॉइल बोलेंगे, कपने में क्या है, ये परफेक्ट सॉइल है ये, या ये कहिए कि सर्वाधिक उपजाऊ सॉइल है। इसलिए ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जिसे हमने उत्तर भारत का महान मैदान बोला है, ये भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम उसके निर्माण की बात कर रहे हैं, महत्व की बात अभी बाद में करेंगे, ये हमारा निर्माण है अभी। तो कैसे मैदान का निर्माण हुआ, ये आपको समझ में आ गया। तो यहां पर बात ये आती है कि मैदान के निर्माण में भाग लेने वाले तंत्र कौन कौन से हैं, तो नंबर एक सिंधु तंत्र, नंबर दो गंगा तंत्र, और नंबर तीन ब्रह्मपुत्र तंत्र।
इन तीन तंत्रों द्वारा उत्तर भारत के महान मैदान का निर्माण किया गया है। महान मैदान का के भौतिक विभाजन, नंबर एक भावर, नंबर दो तराई, नंबर तीन खादर और नंबर चार बांगर। अब हम यह भावर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वत है, इसका ये पर्वतपदीय पेटी है ये, और पर्वतपदीय पेटी में ऊपर से क्या आएगा, पत्थर पत्थर आकर यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पत्थरों का विस्तार मिलेगा आपको, बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेप मिलेगा। यहाँ से नदी निकल करके इन पत्थरों में खो जाएगी। आप कान लगाकर देखेंगे तो आपको पानी के बहने की आवाज तो आएगी, लेकिन नदी आपको दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ों से, ग्लेशियर से जो नदी निकली वो इस क्षेत्र में पत्थरों में खो गई, उसमें परकुलेट कर गई, आपको नजर नहीं आएगी। फिर वो ऐसे क्षेत्र जहां नदी का जल पत्थरों में क्या हो जाए, नीचे चला जाए, वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं, भावर कहलाते हैं। इनका विस्तार विस्तार पर्वतपदीय पट्टी के साथ साथ होता है, और इसकी विस्तार अर्थात चौड़ाई की बात करें, हम चौड़ाई की बात करें तो लेकर 10 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक की चौड़ाई होती है। दूसरी बात, अब आप एक बात ध्यान से देखिए, जब नदियां इसमें अंदर प्रवेश कर गईं तो उन्हें बहाव का एक रास्ता तो मिलेगा नहीं, वो पत्थरों में उनका पानी तितर बितर हो जाएगा, इधर से इधर फैल जाएगा। तो जब पानी निकलेगा तो किसी एक धारा से निकलेगा क्या, अलग अलग जगहों से निकलेगा। तो यहां से छोटी छोटी शाखाएं छोटी छोटी शाखाएं छोटी छोटी शाखाएं, और वो शाखाएं आपस में मिल मिल करके क्या हो जाएंगी, हाँ ये हो जाएगा, देख रहे हैं आप ये, और बाद में ये देख रहे हैं आप, नदी बन जाएगी, बड़ी नदी बन जाएगी। तो कुछ इस क्षेत्र तक तमाम नदियां ही नदियां दिखाई दे रही हैं आपको, नहीं कितनी नदी दिखाई दे रही हैं, ये एरिया जहां बहुत ज्यादा नदी की शाखाएं हों, हर स्थान पर छोटी छोटी नदियां बह रही हों, वो एरिया पानी से भरा हुआ होगा, और वो एरिया तर हो जाएगा, पानी से तर हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, हम तराई क्षेत्र बोलेंगे। भावर क्षेत्र के ठीक अग्रिम भाग में, भावर क्षेत्र के ठीक अग्रिम भाग में 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी क्या कहलाती है, तराई क्षेत्र कहलाती है। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र सघन वनों से, किससे, सघन वनों से आच्छादित थे, जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा बेहतर थे, लेकिन हो क्या रहा है, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या धीरे धीरे तराई क्षेत्रों में अपना
विस्तार कर रही है, और वो लगातार इन वनों काट करके कृषि योग्य भूमि बना रहे हैं, जमीनों को कृषि के तहत ला रहे हैं, वन कट रहे हैं। इन वनों के कटने से मैदानी गर्म हवाएं सीधी कहां पहुंच रही हैं, पहाड़ों की तरफ गमन कर रही हैं। एक रिपोर्ट के तहत यह कहा गया कि तराई क्षेत्र के वनों का कटना, तराई क्षेत्रों के वनों का कटने का सबसे बड़ा परिणाम गंगोत्री ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, ये हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघलना जो उत्तराखंड वाले एरिया के हैं। तो तराई क्षेत्र में छोटी वितरिकाओं के कारण पानी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, छोटी छोटी वितरिकाओं के कारण पानी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पानी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वो क्षेत्र तर हो जाता है, और इसीलिए उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम तराई क्षेत्र कहते हैं। आज तराई क्षेत्र की को अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो चावल की खेती के लिए नंबर वन है। अब हमारे सामने दो शब्द बचे, नंबर एक खादर और नंबर दो बांगर, इन दोनों में अंतर क्या है ये देखेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है। आप देखिए नदियाँ, हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो बरसाती हैं, हैं वर्षा पर निर्भर करती हैं, ऐसे ही तो है, वर्षा पर निर्भर करती हैं। एक समय होता है कि नदियाँ सूख जाती हैं, और एक समय होता है जब बरसात शुरू होती है तो नदी घाटी में पानी उसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाता है और पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। अब ये जो नदियाँ हैं ऊपर से अपने साथ जो मलबा ला रही हैं बहा करके, उस मलबा को अपनी तलहटी में जमा कर दिया, तलहटी क्या हो गई, प्लेन हो गई, अब पानी क्या हो गया, फैल गया। उसके बाद ये पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और अपने साथ लाए हुए मलबा को भी क्या कर देती है, जमाव कर देती है, और एक नई उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, उसे कहते हैं नवीन कांप युक्त मृदा। नवीन कांप युक्त मृदा, नवीन कांप वाली जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, किससे, बाढ़ आने से। एक बात ही हो गई, वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, नवीन कांपयुक्त मृदा जो जम जाती है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या बोला मैंने, खादर। खादर का मतलब है वो क्षेत्र जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती हो, वो क्षेत्र जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के अधीन रहता हो, बाढ़ ग्रस्त रहता हो, नई नवीन मिट्टी का निर्माण होता हो, वो एरिया क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। तो ये एरिया नदी के निम्न क्षेत्र होंगे, मैदान के निम्न क्षेत्र होंगे, समझ रहे हैं ना, ये एरिया कौन से होंगे, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके निम्न क्षेत्र होंगे जहां पर आराम से पानी फैल जाए, वो क्षेत्र जहां प्रत्येक वर्ष क्या आए, बाढ़ आए, वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं, खादर कहलाते हैं। एक बात तो ये होगी, तो खादर में क्या बोलेंगे, जहां क्या हो, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती हो, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती हो, खादर कहलाता है, खादर का क्षेत्र कहलाता है। यहां पर जो मृदा है वो मृदा कैसी होती है, नवीन कांप युक्त होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें उर्वरकों का इस्तेमाल करने की जरूरत कम पड़ती है, ऑलरेडी इसमें उर्वरक होते हैं, ह्यूमस नदी अपने आप जहां तहां से बहाकर अपने साथ ले आती है और इसमें जमा कर देती है। उसके बाद अब देखिए
बांगर का एरिया क्या है? बांगर का एरिया ये कह रहे हैं कि नदियों का एक नेचर है, वो अपने मार्ग में परिवर्तन करती हैं। नदियां अपने मार्ग में परिवर्तन करती हैं। आज नदी यहां बह रही है तो हो सकता अगले अगले 50-100 सालों में उसकी धारा का क्षेत्र परिवर्तित हो जाए, उसका मार्ग परिवर्तित हो जाए, वो कहीं से कहीं पहुंच जाए। तो बांगर शब्द से यहां तात्पर्य यह है कि वो क्षेत्र जो पहले नदी ने ही क्या किया था, उनका निर्माण किया था, नदी ने ही निर्माण कर किया था, आज वो क्षेत्र परित्यक्त क्षेत्र है, आज नदी उन्हें छोड़ करके कहीं दूसरे क्षेत्र में चली गई, दूसरे क्षेत्र में चली गई नदी वो, और वो अब उस नदी की गतिविधियों से टच नहीं है, अब उस नदी की गतिविधियों से परे हैं वो, और वो लंबे समय से बने हुए हैं और वो प्राचीन हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। ऐसे प्राचीन या पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान, नदी द्वारा निर्मित मैदान बांगर कहलाते हैं। कैसे हो? पुराने हो, जो नए बन रहे हैं उन्हें खादर कह दिया। तो मैं ऐसे बोलूं इन दोनों चीजों को कि जो पुरानी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी है, उससे क्या बन गया? बांगर बन गया। और नवीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव से खादर बन रहा है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के निर्माण से खादर बन रहा है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के निर्माण से बांगर बन रहा है। एक बात ये हो गई। तो बहुत छोटी परिभाषा बोलें तो क्या बोलेंगे? ऐसे क्षेत्र जो नदी ने परित्याग कर दिया, कभी नदी ने ही उनका क्या किया था? निर्माण किया था, वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बांगर कहलाते हैं। इनकी एक विशेषता और है तो क्या बोलेंगे? प्राचीन जलोढ़ मृदा है के मैदान बांगर कहलाते हैं, ये बांगर कहलाते हैं। इनकी विशेषता है कि इनमें कैल्शियम युक्त, ठीक है, कैल्शियम युक्त क्या मिलती है? छोटी छोटी कंकड़ मिलती हैं, ये इनकी विशेषता है। अब हमने एक चीज देखी, खादर ज्यादा उपजाऊ है या बांगर ज्यादा उपजाऊ है? इन दोनों में सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ ये द्वितीय नंबर पर आएगी, द्वितीय नंबर पर। अब सवाल ये था, सवाल ये था कि खादर की मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है, है? बांगर में खादर की तुलना में कुल उत्पादन कम होता है, खादर में कुल उत्पादन ज्यादा होता है, खादर की मृदा ज्यादा उपजाऊ होती है इसलिए उसमें कुल उत्पादन ज्यादा होता है, बांगर की मृदा खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है इसलिए बांगर में कुल उत्पादन कम होता है। क्या यह बात सही है या गलत है? क्या बोलेंगे आप? ये देखिए, खादर की मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है, खादर की मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें कहा गया कुल उत्पादन बांगर से ज्यादा होता है, ये गलत है।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि साल के 12 महीने यह खेती नहीं होगी, और यहाँ बांगन में साल के 12 महीने फसलें होंगी, यहाँ तो बाढ़ आ जाएगी ना, बाढ़ आ जाएगी, बरसात के सीजन में खादर का एरिया क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, तो फिर फसलें कहाँ से होंगी? तो इसका एक सीजन तो खाली रह गया। जब इसका एक सीजन खाली रह गया तो कुल उत्पादन तो घट जाएगा, नहीं घटेगा? और बांगर भले ही उत्पादन का लेवल कम है, लेकिन पूरे साल क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है, पूरे साल उत्पादन कर रहा है। जब पूरे साल उत्पादन कर रहा है ये, तो क्या होगा? कुल उत्पादन बांगर का ज्यादा हो जाएगा। अपवाह तंत्र क्या लिखा है? अपवाह तंत्र ये देखेंगे, इस मैदान में कौन कौन सी नदियां बह रही हैं। तो इस मैदान के निर्माण में जो नदियां सहयोग कर रही हैं, बस उन्हीं नदियों की बात करेंगे हम। जैसे नंबर एक सिंधु, सिंधु तंत्र है एक। नंबर दो गंगा तंत्र है, और नंबर तीन ब्रह्मपुत्र तंत्र है। ये नदियां उत्तर के विशाल मैदान में अपने तंत्रों को बनाती हैं, और हमेशा उसकी संरचना में परिवर्तन लाती रहती हैं, और उसकी गुणवत्ता में भी परिवर्तन लाती रहती हैं। तो ये तीनों तंत्र विशाल मैदान के क्या हैं? तंत्र हैं। ये यहाँ ये वाला एरिया देखें तो ये सिंधु का प्रभावित क्षेत्र है। ज़्यादा बड़ा एरिया देखें तो गंगा का है। ये वाला एरिया देखें तो विशाल मैदान में सबसे बड़ा महत्व किसका है? गंगा का है। उत्तर के विशाल मैदान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान गंगा का है, ठीक है? और इसलिए भारत का सबसे बड़ा तंत्र भी है ये, भारत का सबसे बड़ा तंत्र गंगा तंत्र। महत्व की बात कर लेते हैं।